हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, आज मैं एक मलयालम मूवी के टीजर को रिएक्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है थिरपू। और इसके अंदर हमें पृथ्वीराज सुकुमारन सर दिखने वाले हैं और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए, क्योंकि उनकी प्रीवियस मूवी कड़ुआ मैंने देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी गाइस। और उनकी जितना भी काम मैं देख रहा हूँ मलयालम मूवीज़ के अंदर, उनका काम बहुत ही बेहतरीन होता है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस मैं इसको देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के पहले देख लूँगा और फिर करेंगे चर्चा कि इसके अंदर है क्या। अरे राम कुमार नायर विधि തീർപ്പിലും പക തീർപ്പിലും ഒരുപോലെ കുടിയേറിയ ഇരട്ടത്തലയുള്ള ഒറ്റവാക്ക് തീർപ്പ് ओके। काफी छोटा सा टीजर था यार, काफी छोटा सा था और इतना कुछ रिवील नहीं किया। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक इन्वेस्टिगेटर की तरह काम कर रहे हैं ना। हो सकता है कि वो एक इन्वेस्टिगेटर की तरह काम कर रहे हैं, अब पुलिस में है या प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, डिटेक्टिव है, या फिर किसी पुलिस की तरफ से है, किसी पुलिस ऑफिसर है और ऑब्वियसली डिटेक्टिव है, उस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि कोई तो केस है, कुछ मर्डर केस है या कि कुछ कोई भी केस हो सकता है, ऑब्वियसली कोई तो केस है। और वो पूरी की पूरी फैमिली है जहाँ वो नज़र आ रही है, है ना। आई थिंक वो कपल्स ही थे क्योंकि दो औरतें थी और दो आदमी थे उसके अंदर, तो हो सकता है वो कपल्स हो। और अब क्या हुआ है वो सिनेरियो, ऑब्वियसली टीज़र है तो इतना कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन इंटेंसिटी बहुत अच्छी लग रही है ना। जैसे स्टार्टिंग में जो पृथ्वीराज सर का कैरेक्टर एकदम से वो बोलता है कि वो बंदा कहाँ है जो नायर, ऑब्वियसली वो कहाँ है, वो नहीं है ना यहाँ पे। तो अब क्या होने वाला है ऑब्वियसली वो देखने लायक होगा। लेकिन अब मुझे तो ऑब्वियसली ट्रेलर का वेट है, क्योंकि ट्रेलर जब आएगा तो शायद और कुछ ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत 30 सेकंड का था यार, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। और बस हो सकता है, मुझे लग रहा है कि सिर्फ इतना दिखाने के लिए बताया कि वो एक इन्वेस्टिगेटर की तरह काम कर रहे, एक डिटेक्टिव है या इन्वेस्टिगेटर है, पता नहीं प्राइवेट है या फिर वो पुलिस की तरफ से काम कर रहे हैं, वो पता नहीं। लेकिन वो घर के अंदर का सिनारियो दिखा रहे हैं, तो क्या एक घर के अंदर की कोई स्टोरी होने वाली है, है ना। जैसे हमने देखा है काफ़ी सारी नाइफ्स आउट मूवी हो गई जो हमने देखी है, पूरे का पूरा एक घर के अंदर का दिखाया गया था कि किस तरीके से खून होता है और इतने सारे सिनारियो होते हैं, लोग होते हैं इसके अंदर, और एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया जाता है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो हो सकता है कि इस तरीके की स्टोरी हमें देखने मिले। तो ऑब्वियसली अभी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मलयालम मूवी है और वो आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट बनाने के लिए जानी जाती है और अपने राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और मैं वो देख चुका हूँ। तो ऑब्वियसली मैं जज नहीं करूँगा कि इसमें क्या होने वाला है, जब पूरा ट्रेलर आएगा तब देखूँगा और तब पता करेंगे कि भाई हो क्या रहा है उसके अंदर। ऑब्वियसली ट्रेलर के अंदर भी इतना देंगे नहीं हमें, लेकिन अच्छा लगा जितना था जो छोटा सा इसमें दिखाया गया, अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है और कैरेक्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।